हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, फाइनली मैं लेके आ गया हूँ रिव्यू अपोलो ट्रैम्पलर एसटी टायर्स का, जो कि मैंने अपनी पल्सर NS 200 बाइक में डलवाए थे। करीब एक महीने से ज़्यादा हो चुका है इन टायर्स को लगवाए हुए, तो मैं फ़िलहाल आपको इसका फाइनल रिव्यू देने वाला हूँ। काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे, मैं अपनी कुछ पर्सनल चीज़ों में बिजी था तो थोड़ा सा रिव्यू लेट हो गया। बाकी एक वीक से मैं इसको डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन में, डिफरेंट टाइप्स की सरफेस पर टेस्ट कर रहा था, तो उसमें मुझे एक्स्ट्रा टाइम लग गया है थोड़ा सा। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी अब प्राइस एंड अवेलेबिलिटी के बारे में, क्योंकि वो ज़रूरी है थोड़ा सा। गाइस, इसकी जो प्राइस मेरे को पड़ी थी वो थी 4,600, यानी 4,600 रुपये इसकी मेरे को कॉस्ट पड़ी थी। लेकिन इसके साथ एक इशू है कि ये हर जगह अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा अवेलेबिलिटी का इसका इशू है। तो वो मेरे को भी कई रिटेलर्स पे सर्च करना पड़ गया था कई जगह, तब जाके ये मिला था। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि ये आपके, आप जहाँ भी रहते हैं जिस सिटी में, वहाँ अवेलेबल है या नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले इन टायर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन टायर्स की स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। तो ये मेरे पास पल्सर NS 200 बाइक है, इसमें फ्रंट में जो स्टॉक टायर है वो 100/80 सेक्शन का टायर लगता है, जो कि मैंने सेम साइज़ का टायर इसको लगवाया अपोलो ट्रैम्पलर एसटी। और रियर में भी मैंने सेम 130/70, जो कि स्टॉक साइज़ होता है, उसी साइज़ का टायर लगवाया है अपोलो ट्रैम्पलर एसटी। ये जो टायर है अपोलो ट्रैम्पलर एसटी, एक नॉन रेडियल टायर है, ये रेडियल टायर नहीं है। और इससे पहले जो टायर इसमें लगे थे स्टॉक टायर, वो थे MRF के जैपर। बाकी मैं अब आपको पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह की कंडीशन में, किस तरह की सरफेस पे, किस तरह परफॉर्म किया है इन टायर्स ने। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी की मैं बात करूंगा सबसे पहले हाईवे के पे, यानी आप हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे, टारमैक के जहाँ पे अच्छे रोड हैं, उस तरह की कंडीशन में बाइक की स्टेबिलिटी और ग्रिप टायर्स की कैसी है। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूँ, मैंने इस बाइक को अच्छी स्पीड में 100-120 की स्पीड में टेस्ट किया हाईवे पे, और इवन मैंने हाथ छोड़ के, मतलब हैंडल से हाथ हटा लिए थे, फिर भी बाइक एकदम प्लांटेड, एकदम स्टेबल थी बाइक। कोई भी मेरे को ऐसी स्टेबिलिटी का यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिला, तो बहुत ही प्लांटेड रहती है बाइक हाई स्पीड पे। तो ये तो रहा हाईवे का फीडबैक। अब बात करते हैं कि भाई बैट सरफेस पे या फिर मडी जो कीचड़ वाली सरफेस है, लाइक बारिश में आपके शहर में या फिर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे इस तरह की कंडीशन बन जाती होगी कि आपको इस तरह की सिचुएशन से कभी ना कभी पाला पड़ता होगा, या फिर आप टूरिंग ऑफ रोडिंग पे जाना चाहते हैं तो उसमें आपको इस तरह की कंडीशन मिलती हैं, तो वहाँ कैसा ये टायर परफॉर्म करता है उस कंडीशन में। तो गाइस, मैं कहूँगा कि वेट और मडी सरफेस पे, लाइक मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मैंने एक ऐसी जगह पे इसको टेस्ट किया जहाँ पे एकदम मडी पूरा हुआ था पूरा सरफेस, तो उस पर मैंने इसको टेस्ट किया, तो बाइक की जो ग्रिप है और स्टेबिलिटी है वो अच्छी मेरे को यहाँ पे देखने को मिली, अच्छी महसूस हुई मुझे। और इन टायर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया मैं कहूँगा, मतलब इससे पहले जो टायर्स थे MRF के जैपर, वो तो मतलब इस तरह की कंडीशन में पूरी तरह से फेल हो जाते थे, मतलब बाइक पूरी स्लिप हो जानी थी, लेकिन उस तरह की कंडीशन मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आई इन टायर्स के साथ। तो अगर आपके यहाँ बारिश वगैरह में इस तरह की चीज़ें हैं तो ये टायर्स बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं जैसे ऊबड़ खाबड़ या फिर जो ऑफ रोडिंग वाली एक चीज़ होती है, कि ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग जो टेरेन होती है उस पर आप इसको किस हद तक ले जा सकते हो और कैसा ये परफॉर्मेंस देते हैं। तो गाइस, कंपनी का कहना है कि ये टायर मतलब 80% आप इससे जो रोड पे, बेसिकली जो ऑन रोडिंग है, और 20% ऑफ रोडिंग। तो भाई मैं कहूँगा भाई बहुत ही सही ये टायर है, मतलब आप हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग इससे कर सकते हो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आराम से निकाल के ले जा सकते हो, इसमें बहुत आपको मतलब कोई मेजर इशू नहीं आएगा। अगर आप स्किल्ड राइडर हो, एक अच्छे राइडर हो, तो आप डेफिनेटली इसको थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग में यूज़ कर सकते हो। टायर एकदम अपनी परफॉर्मेंस में पक्का है, उस तरह का कोई स्टेबिलिटी का इशू नहीं आएगा। तो गाइस, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, तो इस तरह की कंडीशन में आप राइड करते हो, यहाँ पे टूटे फूटे रोड या ग्रेवल वगैरह मिलता है, तो उसमें भी ये टायर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बाइक बहुत ही स्टेबल और प्लांटेड फील होती है। आप कंकड़ और छोटे जो ग्रेवल या फिर पत्थर है उन पे निकाल के ले जा सकते हो विदाउट एनी पैनिक, विदाउट एनी मेजर इशू, तो उस तरह की ये टायर परफॉर्मेंस देते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई
कॉर्नरिंग और मनूवरेबिलिटी के बारे में। तो कॉर्नरिंग और मनूवरेबिलिटी में ये टायर्स कैसे हैं? तो आप जनरली सिटी में जब चलाते हो तो आपको ट्रैफिक के बीच से निकालना रहता है, मनूवर करना रहता है, और आपको शार्प टर्न है वहाँ पे कॉर्नरिंग वगैरह करनी रहती है। तो उसमें मैं बता दूं कि टायर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये नॉन रेडियल टायर होने का यहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज नज़र आता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी मुझे फील होती है। रियल लाइफ में वैसे कोई इशू नहीं है, बट जैसा कि ये नॉन रेडियल टायर हैं तो रेडियल टायर में जनरली होता क्या है, जो साइड वॉल होती हैं वो थोड़ी ब्रॉड होती हैं, वो जो कॉन्टैक्ट एरिया है आपको ज़्यादा मिल जाता है सरफेस पे, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा आपको वहाँ पे कॉर्नरिंग की एबिलिटी मिल जाती है। और तो वैसे तो मुझे कोई इशू नहीं नज़र आया, मैं भी इसको अच्छे से मनूवर कर लेता हूँ ट्रैफिक में, और कॉर्नरिंग वगैरह में भी कोई इशू नहीं है। मैंने वीडियो भी ये दिखाई आपको, बट थोड़ा सा फील होता है, हाँ टायर्स थोड़े से स्किनी वाली फील आती है कि हाँ टायर्स थोड़े से पतले हैं बाइक में, ये वाली फील मुझे आती है भाई, लेकिन इसका रियल लाइफ में कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला मुझे। तो ये बात रही हमारी कॉर्नरिंग और मैनूवरेबिलिटी की। अब बात कर लेते हैं क्या बाइक की पिकअप में, माइलेज में या फिर टॉप स्पीड में कोई चेंज हुआ है? तो भाई बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं हुआ है उसमें, जो पहले टॉप स्पीड थी सेम है, पिकअप भी सेम है, और माइलेज में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो उस चीज़ में आप बिल्कुल इंश्योर रहें। तो ओवरऑल एक मैं इसका कंक्लूज़न निकालूं, कंक्लूड करूं वीडियो को, इन टायर्स का रिव्यू अगर एक लाइन में देना चाहूं तो भाई, अगर आप इस तरह की कंडीशन में राइड करते हो जहाँ अच्छे, ख़राब, ऊबड़ खाबड़, गीले इस तरह के रोड्स हैं, तो भाई बिल्कुल आप इन टायर्स को आँख बंद करके आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है इसके साथ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, आप ऑन रोड, ऑफ रोड, गीले, टूटे फूटे रास्तों पर जा सकते हो। सिर्फ आपको एक कंडीशन में इन टायर्स को नहीं लेना है, वो है अगर आप सिर्फ सिटी में राइड करते हो और सिटी के आसपास, और कहीं भी आपका आना जाना नहीं रहता, तो आप इन टायर्स को अवॉइड कर सकते हो। हालांकि ये टायर्स ऑन रोडिंग में भी या फिर प्रॉपर रोड पे भी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, एकदम स्टेबल और प्लांटेड रहती है बाइक, इशू कुछ भी नहीं है। बट ये है कि सेम प्राइस में आपको रेडियल टायर मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं सिटी में, मतलब आपको जनरली मनूवर करना रहता है और कॉर्नरिंग वगैरह, तो मुझे लगता है कि सेम प्राइस ब्रैकेट में वो आपको रेडियल टायर मिल जाएंगे, तो उस पर आप जा सकते हो अगर आप सिटी और सिटी के आसपास राइड का आपको ज़रूरत रहता है। तो बाकी अगर आपको टूरिंग का शौक है तो भाई डेफिनेटली इन टायर के साथ जाओ आप, टूरिंग के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कैसा भी रास्ता अगर टूटा फूटा ख़राब रास्ता हो तो ये टायर आपको बिल्कुल भी मतलब परेशान नहीं करने वाले। और इससे पहले वाले MRF वाले, मैं भाई उनका भी बता दूँ, MRF के जैपर इसमें जो स्टॉक टायर ही आए थे इसके साथ, 35,000 चला के मैंने चेंज कराए थे, तो वो टायर भाई सिर्फ और सिर्फ अच्छे रोड पे, टारमैक रोड पे बहुत ही सही थे टायर, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में वो टायर अच्छे नहीं लगे मुझे। ये टायर बहुत ही ऑलराउंडर टायर है, आप डेफिनेटली इनके साथ जा सकते हो, वैल्यू फॉर मनी टायर्स हैं। तो गाइज यही था मेरा आज का रिव्यू अपोलो ट्रैम्पलर ST टायर्स के बारे में। अगर मेरे से कुछ भी पॉइंट छूट गया हो, कोई पॉइंट मैंने कवर ना किया हो, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं इसके बारे में, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो गाइज़ फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।